जिसके कारण आप सुरक्षित रह पाए थे। आपका विश्वास है कि बाबा जी ने इस रूप में प्रकट होकर आपकी रक्षा की है। एक बार श्री देव कामता दीक्षित लखनऊ से अपने घर कानपुर मिनी बस में जाने का विचार कर रहे थे। बस के पास आकर आपकी इच्छा आगे की सीट में बैठने की हुई, पर उसमें पहले से ही एक व्यक्ति बैठा था। आप उसके पीछे की सीट में बैठ गए। वह आदमी आपकी ओर देखकर मुस्करा रहा था और आप उसकी मुस्कराहट का कारण नहीं समझ पाए थे। वह आदमी भारी डील डॉल शरीर वाला था और यही सोचते रहे कि संभव है कि वह आगे बैठने की आपकी इच्छा को ताड़ गया। जब गाड़ी चलने के लिए तैयार हुई तो वह व्यक्ति सीट छोड़कर चला गया। आप तुरंत उसकी जगह पर जा बैठे और आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे वह आप ही के लिए सीट सुरक्षित करने बैठा था। रास्ते में एक मोड़ पर वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। 4-5 यात्री मर गए और कई घायल हुए। दीक्षित जी के सिर पर एक साधारण सी चोट आई जो अस्पताल की प्राथमिक चिकित्सा से ही ठीक हो गई। जिस सीट पर आप पहले बैठे थे उसमें बैठे व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई। गाड़ी के चलते समय उतरकर चले जाने वाला वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके कारण आप सुरक्षित रह पाए थे। आपका विश्वास है कि बाबा जी ने इस रूप में प्रकट होकर आपकी रक्षा की है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।